गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक विशेष समुदाय के लोगों से सामाजिक और आर्थिक संबंध नहीं रखने की प्रतिज्ञा दिलवाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से राजनीति गरमाई हुई है। अब इस वायरल वीडियो में मामले में जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पीटीआई को बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दो गांव के लोगों के आपसी झगड़े को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की बात सामने आई है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। संजीव कुमार झा ने कहा कि इस मामले में कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को बलरामपुर जिले की सीमा पर बसे आरा गांव के कुछ लोगों ने सरगुजा जिले के कुंदीकला में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट की थी। हालांकि शिकायत के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अब उन्हें जमानत मिली तो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर कमजोर धाराएं लगाई गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल से जमानत मिल गई। इससे नाराज लोगों ने गांव में बैठक बुलाई, फिर लाउडस्पीकर लगाकर सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की शपथ दिलाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आज दिनांक 5/1/2022 को ग्राम कुंदीकला में आम सभा कर यह सर्वसम्मति से हम सभी यह निर्णय लेते हैं, जिसका हम सभी जीवन पर्यंत पालन करेंगे। भारत माता की जय। जय बोलिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रिपोर्ट Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।